राजस्थान में महंगाई विरोधी रैली वास्तव में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चरित्र को दर्शा रही है और जनता का जो उनके प्रति आक्रोश है उसको दर्शा रही है। चाहे चूरू हो जहां प्रभारी मंत्री के सामने असली कांग्रेसी होने का दम भरते हैं, या प्रतापगढ़ जहां आपस में लात घूंसे चल रहे हैं, टोंक में पैरा टीचर्स जो कि जनता का एक वर्ग त्रस्त है उनसे वो प्रदर्शन करता है, या फिर कांग्रेसी नेताओं का ये कहना कि पार्षदों का खर्चा निकल चुका है अब वो जो मंत्री लेते हैं वो इस रैली के लिए खर्च करें, ये एक तरह से राजस्थान कांग्रेस का वो चरित्र दर्शा रहा है जो भ्रष्टाचार को आज शिष्टाचार मान चुके हैं। हालत यहां तक हो चुकी है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और कई इंटरनेशनल एजेंसीज ये मान रही हैं कि राजस्थान में कांग्रेस में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, और जैसा कि माननीय अमित शाह ने कहा था लो और ऑर्डर करो कि संस्कृति यहाँ फलीभूत हो रही है, राजस्थान आज भ्रष्टाचार में नंबर वन हो चुका है। मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों की स्वीकारोक्ति कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता, और आम जनता का ये मानना कि 78% लोगों का ये मानना कि इस सरकार में, इस राजस्थान की सरकार में पैसा दिए बिना कोई काम नहीं होता, निश्चित रूप से इस सरकार के जाने का संकेत कर रहे हैं। और ये महंगाई विरोधी रैली करने का जो ये नौटंकी